सुजानगढ़ की नागरिक परिषद विद्यालय में मरुदेश संस्थान के तत्वावधान में साहित्य मनीषी कन्हैयालाल जी सेठिया की 99वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विजय कुमार, डॉक्टर घनश्यामनाथ कछवा आदि ने विचार प्रकट करते हुए स्वर्गीय सेठिया को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। कार्यक्रम में साहित्यकार विमला महरिया, डॉक्टर प्रदीप कुमार दीप, डॉक्टर साधना प्रधान, माया सामरिया, ललिता भंसाली, आलोक खटेड़, गौरीशंकर पाऊक, शिव शंकर शर्मा आदि ने भी विचार प्रकट करते हुए सेठिया जी के जीवन को रेखांकित किया और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग सरकार से की। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि राजस्थानी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न विषयों पर शानदार भाषण दिए। बच्चों की राजस्थानी भाषा में प्रस्तुतियां देखकर अतिथि भी आश्चर्यचकित हो गए और सबने खुशी जाहिर की कि राजस्थानी का भविष्य अब सुनहरा है, क्योंकि राजस्थान का भविष्य भी अब राजस्थानी भाषा की चिंता करने लगा है। कार्यक्रम का समापन महाकवि सेठिया की अमर रचना धरती धोरानी के सस्वर गायन के साथ हुआ। आप भी देखिए बच्चों ने क्या कहा और क्या क्या इस कार्यक्रम में हुआ। ध्यान में रख लो, काम करना है और वो धर्म स्थापना दिवस है।
कन्हैयालाल जी से भी हम तीन बच्चियां प्रोग्राम बनाए लगा मीन एक तो सब बढ़िया कार्पेट सुना एक स्मृति मन में करने से एक अलग ही ऊर्जा का संवेद हो जाता है। बच्चों आप थोड़ा गौर करना जीवन के सकारात्मक पहलू कन्हैयालाल सेठिया जी जिनके बारे में इतनी बातें कही गई आपने जाना बेटे आपके स्कूल की स्थापना इसकी परिकल्पना उस महापुरुष ने की थी जिस स्कूल में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो सामने देखो।